है, व्हाट इज द साइन ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। अच्छा, इसमें बेटा मैंने आपको बताया था, ये जो है बेटा, दिस इज योर ग्लूकोज इन यूरिन। ब्लड में बेटा सारों का ग्लूकोज हो सकता है, हो सकता है अभी हमने कोई मीठी चीज खाई हो, तो उस वक्त अगर हम चेक करते हैं तुम्हारे ब्लड में देर इज पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, हम वैसे लेते जो है, हम ब्लड से लेते हैं, पहले ब्लड में आएगा। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूसली ब्लड में ज्यादा आपका टेस्ट आ रहा है, तो देन वी गो फॉर द यूरिन कंफर्मेटरी टेस्ट। आपका जो है डायबिटीज मेलिटस का यूरिन में आता है। ठीक है, ग्लूकोज इन द यूरिन जो है, दैट इज योर कंफर्मेटरी टेस्ट। ग्लूकोज इन ब्लड इज नॉट द एग्जैक्ट और कंफर्मेटरी नहीं है। ये हो सकता है, घर में आपने देखा होगा, हम चेक ब्लड ही करते हैं, हम यूरिन नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, बट इनमें से आपने जो बेस्ट पॉसिबल चूज करना है, दैट इज यूरिन। अच्छा, द डायग्राम शोज, ये एक तो बच्चों का गलत था, ये हम बचपन से ही शायद पढ़ते आ रहे हैं G1 से, तो इसको बेटा आपने ठीक कर लेना। द डायग्राम शोज द बोन्स ऑफ द ह्यूमन आर्म। ठीक अल्लाह है, दिस इज योर अल्ना। ठीक है, दिस इज डी, अल्ना है, और ये वाली आपकी ह्यूमरस है, ये फ्रंट वाली आपकी रेडियस है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ज्वाइंट आ जाता है स्कैपुला, वो शो नहीं किया हुआ। अगला देखें, द टेबल शोज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वन कुड बी वायरस। इसको बेटा अब आपने ना गौर से देखना है, ये बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी, शायद आप लोगों को ही हुई थी। ठीक है, अच्छा, इट कंटेन्स वन और मोर सेल्स। वायरसेस में सेल्स नहीं होते, ये बात आपने बेटा याद रखनी है। ठीक है, दे आर ए सेलुलर या नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हम इनको बोलते हैं। दे डू नॉट हैव सेल्स, तो इसका मतलब है इनमें से करेक्ट ऑप्शन ही कौन सी है, ए। हमें बेटा फर्स्ट कॉलम देखते ही पता चल गया है कि दे आर, ठीक है मैं, हाँ जी ठीक है, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। हाँ, आपको ये एक्सप्लेन किया था मैंने, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, तो आप हमें फर्स्ट से ही पता चल गया। कंटेन्स वन और मोर न्यूक्लियाई भी इनमें नहीं होते, स्पोर्स भी प्रोड्यूस नहीं करते ये। ठीक है, विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस लैक्टोज फ्री मिल्क है। ठीक है, फिल्टरिंग मिल्क टू रिमूव लैक्टोज। लैक्टोज फ्री मिल्क आपने प्रोड्यूस करना है, तो लैक्टोज इज ब्रोकन डाउन बाय लैक्टेज। इट्स बेटर के हम लैक्टेज ही यूज करें, एंजाइम यूज करें। ठीक है, अच्छा, फिल्टरिंग मिल्क, फिल्टर से कभी भी हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, हीटिंग मिल्क से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं, हीट। अच्छा, उसके अलावा यूजिंग लाइपेज, लाइपेज इज फॉर, ठीक है, लाइपेज इज फॉर लिपिड्स। हमने लैक्टोज को लैक्टोज फ्री प्रोड्यूस करना है, सो आप सी इज द करेक्ट आंसर, लैक्टेज यूज करेंगे। अच्छा, मिली बग जो है, दीज आर द बेटा इंसेक्ट्स, दीज आर स्मॉल इंसेक्ट्स दैट कैन फीड ऑन क्रॉप्स सच एज मैंगो एंड कॉफी। दे डैमेज द क्रॉप्स एंड रिड्यूस यील्ड एंड प्रॉफिट फॉर फार्मर्स। अच्छा, ले स्विंग इंसेक्ट्स एंड द लेडी बर्ड्स बीटल बोथ ईट माइली बग्स है। इनको बेटा हम बायो वो इंडिकेटर्स बोलते हैं, या बायो पोल्यूटेंट्स भी बोलते हैं। दोज इंसेक्ट्स, जैसे आप देखें कि ये आपकी ले स्विंग है और लेडी बर्ड्स जो हैं, दीज आर योर बायो बायो, इनको हम रेमेडिएशन में यूज करते हैं, इनको हम वो बोलते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स भी बोलते हैं। दीज आर द बायो इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि दीज एक्ट्स एज एन इंसेक्टिसाइड्स टू दे ईट मिली बग्स, तो इनको जो ना हम इंसेक्टिसाइड्स भी बोलते हैं। एज दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इनको हम बायो इंसेक्टिसाइड्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, विच रो शोज द पोजिशन ऑफ सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन दिस फूड चेन। ठीक है, प्रोड्यूसर आपके ट्रीज हैं, मैंगो है और कॉफी है। ठीक है, दो शो किए हुए, बी और डी में से आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, हर्बीवोर्स जो है आपके, मेली बॉक्स जो है ना, दीज आर द हर्बीवोर्स। ठीक है, तो आपका बी आंसर आ जाता है। कार्निवोर्स जो है, ये आपको ले स्विंग्स होते हैं। अच्छा, ये बेटा जो क्वेश्चन रिलेट किया हुआ है ना इन्होंने, ये रिलेट किया हुआ है आपका उससे, फूड चेन से रिलेट किया हुआ है। ठीक है, इकोलॉजी से रिलेट, इकोलॉजी से।
सेम क्वेश्चन जो है बेटा आपका बायोटेक्नोलॉजी से भी रिलेट होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो है आपके लेस विंग्स इंसेक्ट्स और लेडी बर्ड्स जो है ये आपके क्या है, दीज आर योर बायो इंसेक्टिसाइड्स। इसी से चले हम रिलेट करते हैं उसको छोड़ा है, ठीक है। बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं तो ये क्या करेंगे, ये किल करेंगे आपके मेली बग्स को, ईट करेंगे इसको। अच्छा ये इसको ईट करते हैं तो इस केस में आपके मैंगो और जो कॉफी की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। अब एक यहाँ पर बेटा एक बात देखें आप, हम जो है ना बीटी क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। बीटी क्रॉप्स बड़ा सुना होगा टीवी पर, वो ऐड आता है। बीटी क्रॉप्स जो है ना हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बनाए हुए हैं, उसमें हमने क्या किया। अब आप यहाँ पे देखें कि जैसे ये हमारे पास लेस विंग्स और लेडी बर्ड बीटल जो है इनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो क्या करते हैं मेली बग्स को किल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बेटा इनको एज एन इंसेक्टिसाइड यूज करने के, बार बार इंसेक्टिसाइड यूज करने के हम इनका जीन लेके, तो इनका जीन हम इन प्लांट्स के अंदर ही इंसर्ट कर देते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ आई। इनका जीन निकालेंगे विच विल किल द मेली बर्ड्स, उनको हम इंसर्ट कर देंगे उस जीन को इनटू मैंगो एंड कॉफी। उनको हार्म कर रहे हैं ये, ठीक है, इनको फीड कर रहे हैं तो इनके अंदर हम वो करते हैं इंसर्ट करते हैं। व्हेन द मेली बर्ड्स सिट्स ऑन मैंगो एंड कॉफी तो उनके अंदर जो इंसर्टेड जीन होता है वो मेली बर्ड्स की डेथ कर देता है। इससे रिलेटेड शायद एक आधा आपको कोई आ जाए, पहले भी आया था, एक ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें भी इसमें से भी आ सकता है अगर आ गया तो। अगर देखें द डायग्राम शोज द कार्बन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर है, फॉसिल फ्यूल्स और इस तरह जा रहा है। व्हाट इज द प्रोसेस, एक्स है, एक्स इज योर रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू जाता है, और ये भी आपका एनिमल वाला भी एक्स रेस्पिरेशन है, बाकी कोई शो नहीं किया हुआ। बंपिंग को छोड़ें, डिकम्पोजिशन है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। अच्छा जो एरो आपका ये वाला जो है ना, दिस इज फोटोसिंथेसिस, और डिकम्पोजिशन जो है ये फॉसिल फ्यूल, ये वाला जो है आपका, दिस इज डिकम्पोजिशन जो ये वाला एरो। अच्छा विच रो डिस्क्राइब्स हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू अ बायोलॉजिकल सिस्टम है, आपका एंटरिंग अ बायोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा ये आपका जो है लाइट फॉर्म है, लाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी है, ठीक है, पहले लाइट की फॉर्म में जाती है, ट्रांसफर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन अ बायोलॉजिकल केमिकल में, ठीक है, ट्रांसफर लाइट एनर्जी जो होती है ना दैट इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बायोलॉजिकल सिस्टम टू द एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट, बाद में आगे ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, आगे हीट के फॉर्म में होती है और ये आपकी कैप्चर लाइट में होती है, और ये हो गया। अच्छा केमिकल के फॉर्म में कैप्चर नहीं होती, ठीक है, हीट के फॉर्म में भी कैप्चर नहीं होती, लाइट के फॉर्म में होती है। आगे जो है ना ट्रांसफर जो है ये आपकी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में नहीं होती। अब आप देखें कि हीट के बाद इन्होंने आगे केमिकल एनर्जी बना दिया, सो दिस इज इनकरेक्ट, सी जो है ना दिस इज योर सी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा अगला देखिए द डायग्राम शोज, ये बेटा सिंपल ही था, ये देखें द डायग्राम शोज द पोजिशन ऑफ आवर फार्म्स एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ रिवर है, विच फार्म इज लाइकली टू हैव बीन यूजिंग टू मच फर्टिलाइजर्स ऑन दिस लैंड है। अच्छा इसमें बेटा आप देखिए कि सिंपल है, नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन आपको दिखाई हुई है, जिसमें नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन हाई है इट मींस दैट कि वहां पर जो है फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स कहाँ पे ज्यादा हाई है, ये वाली ज्यादा हाई है। ठीक है ये वाली ज्यादा हाई है, बाकी आप देखें कि काम में ये वाली है, देन सेकंड नंबर पर ये है, थर्ड पर ये है, और फोर्थ पर ये है। अच्छा अब आप देखें कि यहाँ पर हाई है तो यहाँ पर हम कोई चीज ऐड नहीं कर रहे, ठीक
ठीक है, इस पॉइंट पर हमारे पास कोई चीज ऐड नहीं हो रही। हाँ, इसके पीछे आप देखें कि ये हमारे पास एक फार्म है, तो इसका मतलब आप देखें कि इस फार्म में जो है फर्टिलाइजर्स ऐड हो रहे हैं जो बाद में लीचिंग के थ्रू रिवर में इस पॉइंट पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजर ज्यादा हो रहे हैं, सो ए पर एडिशन आप कर रहे हो। तो बी जो है वो इससे वैसे भी आ गया, ठीक है, ये है ही इससे आगे, तो जब आप इसमें ऐड करेंगे देर इज पॉसिबिलिटी कि वो इस साइड पर फ्लो करे, ये आप देखें डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी आपको दिखाया होगा, इस साइड पर मूव कर रहा है, इस साइड पर मूव कर रहा है, तो बी वाले आगे जाके ऐड हो सकते हैं, डी वाले आगे हो सकते हैं, जो मैक्सिमम है दैट इज ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इस रिवर में आपने इस पॉइंट पर ऐड किए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्लो जो है या लीचिंग बाद में जो हुई है उसमें से यहाँ पर एडिशन हो गई है, आप यहाँ पर देखें यहाँ पर ज्यादा। थ्री स्टेटमेंट्स अबाउट मलेरियल पैरासाइट्स एंड इसका करेक्ट लीचिंग आंसर ए है ना मिस? है, जी बेटा इसका एक करेक्ट आंसर है।